हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका दुवंची और हाजिर हूँ आपके लिए लाजवाब सोमवार में आज की कहानी लेकर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी है दो मेंढकों के बारे में। जी हाँ, दो मेंढक जो कि बहुत गहरे दोस्त थे, जंगल में रहा करते थे। दोनों साथ साथ घूमते फिरते, मज़े करते, खेलते कूदते और अक्सर जहाँ भी जाते साथ ही जाया करते थे। एक बार उन दोनों ने सोचा कि जंगल में रहते रहते बहुत समय हो गया, चलो जंगल से थोड़ा बाहर जाते हैं, गांव में घूम करके आते हैं। दोनों निकल गए जंगल से गाँव में जाने के लिए और रास्ते में उन्होंने देखा, जैसे ही वो जंगल से थोड़ा सा बाहर आए, एक जगह पर एक इंसान जो है दूध निकाल रहा था, भैंस का दूध निकाल रहा था और उसके पास एक बहुत बड़ी सी बाल्टी थी जिसमें वो दूध डालकर रख रहा था। अब क्योंकि मेंढक जो थे वो जंगल में ही रहते थे, उन्होंने तालाब का गंदा पानी देखा था, कभी उन्होंने ऐसे सफ़ेद सफ़ेद पानी नहीं देखा था। तो उन्हें लगा कैसा सफ़ेद सफ़ेद पानी है, ये तो बड़ा सुंदर सा लग रहा है, बड़ा चमकदार सा लग रहा है और ये पानी हमारे जंगल में क्यों नहीं होता। तो दोनों आपस में बात कर रहे थे, दोनों का प्लान बना कि चलो इस सफ़ेद पानी में डुबकी लगा कर आते हैं, मज़ा लेकर आते हैं, सफ़ेद पानी में डुबकी लगा कर कैसा लगता है। चले गए दोनों, उन्होंने फटाफट से जो दूध की बाल्टी थी उसमें दोनों डूब गए और जो है अपना जो है तैरने लगे, मज़े करने लगे, खेलने लगे, फन करने लगे। कुछ समय तक उनको बड़ा मज़ा आया, उनको लगा वाह वाह क्या ये सफ़ेद सफ़ेद सा जो लिक्विड है बहुत ही अच्छा है, हमारे तालाब के पानी में तो बड़ी गंदी बदबू आती है और ये कितना अच्छा है। खूब उनको उन्होंने मज़े किए। थोड़ी देर के बाद जो एक मित्र था, थोड़ा सा मोटा था दूसरे मित्र से, जो मोटा मेंढक मित्र था वो थक गया खेलते खेलते। उसने कहा अब बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ खेलते खेलते, चलो वापस अपने जंगल को चलते हैं। जो दूसरा पतले वाला मेंढक था उसने कहा ठीक है तुम थक गए हो तो चलो दोनों वापस हम लोग जंगल की ओर चलते हैं। दोनों ने उस बाल्टी से निकलने की बहुत कोशिश करी, ना तो मोटा मेंढक बाल्टी से निकल पाया ना पतला मेंढक निकल पाया, क्योंकि दूध की चिकनाई की वजह से वो लोग इतने चिकने हो गए थे कि बाल्टी से बाहर कूद नहीं पा रहे थे। तो उन दोनों ने सोचा अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बहुत देर तक तैरते हैं और ज़ोर ज़ोर से तैरते हैं, ज़ोर ज़ोर से तैरते हैं ताकि कोई हमें तैरते हुए देख ले और हमें निकाल ले। उन्होंने ऐसा ही किया, बहुत ज़ोर से तैरा लेकिन किसी ने उनको नहीं देखा और कोई नहीं आया उनको निकालने के लिए। तैरते तैरते जो मोटा मेंढक था वो थक गया, उसने दूसरे वाले मेंढक दोस्त को बोला कि अब मैं थक गया हूँ, अब मैं और नहीं तैर पाऊँगा। पतले वाले मेंढक ने बोला थोड़ा सा और कोशिश करते हैं, लेकिन मोटा वाला मेंढक जो था थक गया, उसने हाथ पैर चलाना बंद कर दिया, वो मेंढक डूब गया। पतला मेंढक जब उसने देखा कि उसका दोस्त जो है डूब गया है और अब वो बिल्कुल नहीं तैर रहा है, जवाब भी नहीं दे रहा है, इसको बहुत ज़्यादा अंदर से एक ऐसी आवाज़ आई कि मेरा दोस्त यहाँ रह गया, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से निकलना है। उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। वो तैरता रहा। उसके बार बार तैरने से, वो कहते हैं ना दूध को अगर बहुत ज़्यादा चलाओ तो उसमें से मक्खन निकल आता है, तो उसके दूध में इतना ज़्यादा तैरने से दूध में इतनी ज़्यादा मूवमेंट पैदा हो गई कि उस दूध का मक्खन निकल गया, वो थोड़ा सा जमने लगा, उसकी चिकनाई थोड़ी सी कम हो गई। जैसे ही चिकनाई थोड़ी सी कम हुई, मक्खन निकल कर आ गया, मेंढक के शरीर से भी थोड़ी चिकनाई कम हुई। उसने मक्खन के ऊपर बैठकर ज़ोर से छलांग लगाई और बाल्टी से बाहर निकल कर आ गया। बाहर निकल कर आकर वो स्तब्ध रह गया। कुछ देर तो उसको समझ ही नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हुआ। इस थोड़े से ही समय में उसने अपने प्यारे दोस्त को खो दिया जिसके साथ वो हमेशा रहा करता था। लेकिन उसने इस चीज़ से एक सबक भी सीखा कि क्योंकि उसके दोस्त ने गिव अप कर दिया था तो वो उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ पाया, लेकिन इसने गिव अप नहीं किया था तो इसकी कोशिश से मदद हुई और ये उससे बाहर निकल के आया। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, कोशिश जारी रखो, अपना कर्म करते रहो, मदद भी आएगी
और प्रॉब्लम का सलूशन भी निकलेगा। नेवर गिव अप। होप यू लाइक दिस स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसे लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।